हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिनके मन में हमेशा एक डाउट होता है कि मेरा जो प्रोफाइल है उस पर कोई IIM या टॉप का बी स्कूल मिलेगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर ही बात करने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई प्रोफाइल एज वेल। एंड यू नो आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने मैसेजेस किया कि सर मेरा 10th का स्कोर X है, 12th का स्कोर Y है, ग्रेड का स्कोर G है एंड किसी ने बोला कि सर मेरे प्रोफाइल पे गैप ईयर हो गया है तो क्या इस प्रोफाइल पे मुझे IIM मिलेगा या नहीं। एंड आई फील दिस इज़ वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन बिकॉज मुझे याद है कि जब मैंने खुद IIM का ड्रीम देखा था मेरे मन में भी सेम डाउट आया था कि मेरा जो प्रोफाइल है उस पर कोई IIM मिलेगा या नहीं। बिकॉज यू नो जब भी आप YouTube पे किसी पर्सन का इंटरव्यू देखते हो जो IIM में पढ़ चुका है या पढ़ रहा है उसका प्रोफाइल यू नो काफ़ी अच्छा होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, देन आप खुद को कंपेयर करते हो उससे एंड आप हमेशा डाउट करते हो यार कि उनका प्रोफाइल और मेरे प्रोफाइल में काफ़ी डिफरेंस है तो क्या मुझे जेन्युइनली IIM मिलेगा या नहीं। तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या एवरेज प्रोफाइलर IIM में जा सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा बट उससे पहले आई एम गोइंग टू शेयर माई प्रोफाइल सो डेट कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईजिली। बट गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगेगा देन प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको कुछ डाउट होता है देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आप इंस्टा, लिंक्डइन या फिर यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बैक टू द वीडियो। सो गाइज दिस इज माई 1-pager रिज्यूमे। यू कैन सी IIM का लोगो है यहाँ पे, IIM विशाखापट्टनम लिखा होगा, हेयर इज माई नेम एंड पूरा कॉन्टेंट है इसमें, पूरा रिज्यूमे 1-pager रिज्यूमे है जो कि हर एक कैंडिडेट को बनाना पड़ता है फॉर द समर इंटर्नशिप और फाइनल प्लेसमेंट के लिए। तो ये जो मेरा रिज्यूमे है वो मैंने समर इंटर्नशिप के लिए बनाया था एंड मैं आपको जो बताने वाला हूँ अबाउट माय प्रोफाइल वो इसके अकॉर्डिंग ही बताने वाला हूँ, उसमें कोई शुगर कोट नहीं होगा। ओके एंड मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कितने सारे पॉइंट मैंने आफ्टर कैट इसमें ऐड करे हैं रिज्यूमे में सो डेट कि आपको एक फेयर आइडिया हो कि हाँ मुझे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रोफाइल पे फोकस नहीं रखना है। मेरा मेन एम रहना चाहिए कि कैट में मैं कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ सो डेट कि मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर कॉल मिले। ओके तो इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ, इंटर्नशिप हुआ, लाइफ प्रोजेक्ट हुआ, वर्क एक्स हुआ, पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। ओके एंड उसमें भी मैं स्टार्ट करता हूँ 10th 12th देन उसके बाद जो भी मैंने स्टडी की है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10th से। सो माय 10th स्कोर इज 63.33 जो कि मैंने बिहार बोर्ड से करी है। अगेन 12th का स्कोर मेरा 66.40 है जो कि सेम मैं बिहार से ही करा हूँ। नाउ डिप्लोमा का स्कोर, मैंने 12th के बाद डिप्लोमा करी तो उसका स्कोर मेरा 78.59 है जो कि मैंने नागपुर से करा है, इट्स अ प्राइवेट कॉलेज। एंड मेरा जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है उसका स्कोर मेरा 80 है जो कि अगेन मैंने प्राइवेट कॉलेज से ही करा है। देन MBA, आई एम परस्यूइंग MBA, करेंटली आई एम सेकेंड ईयर इन माई MBA। बट अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो फर्स्ट ईयर के बाद जो मेरा CGPA है वो अराउंड 3 है आउट ऑफ 4। सो आई एम मेंटेनिंग यू नो एवरेज और अबव एवरेज CGPA अपार्ट फ्रॉम डूइंग ऑल दोज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड वट एवर। ओके नाउ कम्स टू द इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप का एक मैं बता रहा हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे कोई इंटर्नशिप नहीं करी बिकॉज जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स करिकुलम होता है उसमें इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको इंटर्नशिप करनी है। तो मैंने जो इंटर्नशिप करी वो आफ्टर कैट करी, जब कैट का रिजल्ट हो गया देन आई हैव द टाइम, मतलब 5-6 महीने का टाइम मिलता है, उसमें मैंने इंटर्नशिप करी है 3 महीने के जो कि एक कैट इंस्टीट्यूट के साथ था। तो वहाँ पे मैंने क्वांट एंड DILR के लिए, सिंस आई वाज गुड इन क्वांट एंड DILR तो उसके लिए मैं उस इंस्टीट्यूट के लिए काम किया था फॉर द 3 मंथ। देन कम्स टू द लाइफ या एकेडमिक प्रोजेक्ट, इसमें एक मैंने एकेडमिक प्रोजेक्ट ऐड किया है जो कि मेरा फर्स्ट टर्म में किया था, दैट इज फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे आपको एक कंपनी लेनी है एंड उसका जितने भी मार्केटिंग मिक्स होते हैं उससे आपको उस कंपनी का एनालिसिस करना है। फॉर एग्जाम्पल आप 5C करना है, STP करना है, मार्केटिंग मिक्स करना है, SWOT एनालिसिस करना है, फोटो 5 प्रोसेस करना है, देन आप उस कंपनी को कुछ रिकमेंडेशन भी दोगे, नॉट जेन्युइनली कंपनी को, जस्ट आप अपने रिपोर्ट में डालना है कि नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए या क्या प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए या फिर कोई प्रोडक्ट की मैच्योरिटी आ रही है तो क्या उसमें इनोवेशन होना चाहिए, दिस काइंड ऑफ थिंग्स
विच आई हैव डन इन माई मार्केटिंग प्रोजेक्ट, तो वो चीज मैंने मेंशन करी है यहाँ पे। देन मेरा जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है उसका मैं प्रोजेक्ट मेंशन किया हूँ, जो कि मेरा है हबलेस बाइसिकल पे मैं काम किया था वहाँ पे। देन मेरा अगेन लाइव एंड एकेडमिक प्रोजेक्ट में ही आता है, मैंने जो डिप्लोमा के बाद वर्क किया था टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में, उसका पॉइंट मैंने मेंशन किया है। बिकॉज ये वॉकएक्स में पॉइंट इसलिए नहीं है कि एक IIM और CAT का एक क्राइटेरिया है कि वॉकएक्स उसको ही कंसीडर करते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद किया गया है, अगर उससे पहले किया गया है तो इट विल कंसीडर एज ए लाइव प्रोजेक्ट समथिंग लाइक दैट, वॉकएक्स में वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मैं यहाँ पे हूँ ग्रेजुएशन टाइम, डिप्लोमा टाइम और मेरे स्कूलिंग एंड ऑल में मेरा कोई POR नहीं था, POR मैं यहाँ के बाद लिया, जो कि मैं मीडिया PR का GC सिलेक्ट हुआ था एंड नाउ आई एम द सीनियर कोऑर्डिनेटर ऑफ मीडिया एंड PR, मतलब प्रमोट होके बेसिकली वो बना। तो POR में मेरे पास एक यहीं पे है जो कि मैं MBA में आके बनाया, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ सिलेक्शन, मतलब ऐसे नहीं मिल जाता है, यू हैव टू गो थ्रू द 3 or 4 राउंड्स ऑफ प्रोसेस, देन यू विल बी सेलेक्टेड एज अ GC ऑफ एनी क्लब और कमिटी। ओके, दिस इज द प्रोसेस विच फॉलो एवरी कॉलेज, ओके, नॉट ओनली अबाउट IIM विशाखापट्टनम, हर एक IIM, हर एक B स्कूल फॉलो करता है। नाउ कम्स टू एकेडमिक अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशन, तो देखो इसमें मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स करे थे जो कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन भी था और ग्रेजुएशन के बाद भी था, मतलब बट CAT के प्रिपरेशन के टाइम पे मैं नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ। मैं आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स बता भी देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सर्टिफिकेशन कोर्स किया था जो Udemy से होता है, काफ़ी अच्छा कोर्स है। देन फिर मैं 2 दिन का एक वर्कशॉप किया था Power BI पे। देन मैंने 6 Sigma ग्रीन बेल्ट का कोर्स किया था, ये ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग टाइम में भी किया था एंड यहाँ MBA में भी आने के बाद मैंने वो 6 Sigma का कोर्स फिर अगेन किया। देन जो गूगल का डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो मैंने किया है। देन फिर एक Amazon e-commerce मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड इस पे एक वर्कशॉप हुआ था हमारे कॉलेज में ही, देन वो चीज़ें मैंने अटेंड करी थी, तो उसका मैंने एकेडमिक अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशन में मेंशन किया हूँ। देन मेरे रिज्यूमे में लास्ट पॉइंट आता है जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो बिफोर MBA मेरे पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं था। एक्स्ट्रा करिकुलर में जस्ट मैं ये मेंशन किया हूँ कि मेरे पास YouTube चैनल है एंड मैं इस पर ये काम किया हूँ एंड आई हैव गेन सो मच ऑफ सब्सक्राइबर और व्यूअर व्हाटएवर, जो मुझे मेंशन करना है एक्स्ट्रा करिकुलर में, बस मैं YouTube के बारे में मेंशन किया हूँ जो कि CAT के बाद मैंने किया है। तो अगर आप इस रिज्यूमे में देखो तो अराउंड 1-2 जो कि मतलब लाइव प्रोजेक्ट में 1 पॉइंट, POR इज अनदर पॉइंट एंड एकेडमिक अचीवमेंट में भी कुछ 2-3 पॉइंट, मतलब 2-3 सर्टिफिकेशन कोर्स जो कि मैं पोस्ट CAT किया एंड एक्स्ट्रा करिकुलर जो कि मैं YouTube पोस्ट CAT किया। तो आप इसमें देखोगे तो मैक्सिमम हाफ पेज जो फुल पेज रिज्यूमे है उसमें हाफ या फिर हाफ से थोड़ा कम जो पॉइंटर है वो मैं आफ्टर CAT प्रिपेयर किया है। तो अगर आपका प्रोफाइल अभी उतना ग्रेट नहीं है तो CAT के बाद भी बहुत इनफ टाइम मिलता है कि आप प्रोफाइल पे वर्क कर लो। अभी आपका सोल एंड सोल मोटिव ये होना चाहिए कि CAT में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं स्कोर कर पाऊँ, सो डैट कि मेरे पास बहुत नंबर ऑफ कॉल हो और मुझे इंटरव्यू में बैठने का नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, सो डैट कि एटलीस्ट एक बी स्कूल, अच्छा बी स्कूल में कन्वर्ट कर पाऊँ। अब देखो एक फैक्ट की बात यह है कि आप ये भी बोल सकते हो कि सर बाकी लोगों का तो अच्छा प्रोफाइल है, मेरा अच्छा प्रोफाइल नहीं है तो क्या मुझे दिक्कत होगी फ्यूचर में और नहीं होगी? तो देखो भाई मैं ट्रूथ बता रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत होती है, उतनी भी दिक्कत नहीं होती कि जिससे काम ना चले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, अगर आप कंसल्टिंग इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे एकेडमी के इसको मैटर करता है। तो ये ट्रूथ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है, ना कोई भी कर सकता है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हाँ मेरा अगर स्कोर कम है तो यू हैव टू कम्प्रोमाइज समवेयर और समवेयर एल्स। ओके, सो दिस इज द वेरी ट्रूथ और फैक्ट। बाद बाकी अगर आपका प्रोफाइल उतना भी ग्रेट नहीं है, एकेडमिक स्कोर उतना ग्रेट नहीं है, स्टिल यू हैव वेरी गुड चांस कि हाँ आप अपने प्रोफाइल पे बिल कर सको, काम कर सको MBA के टाइम पे भी और आफ्टर CAT। अगेन मैं स्टिल अभी काम कर रहा हूँ अपने प्रोफाइल पे। ओके, सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। यू कैन कंपेयर माय प्रोफाइल अलोंग विथ योर प्रोफाइल, उस पर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अगर मेरा इस प्रोफाइल पे मैं IIM में आ सकता हूँ देन अगेन यू कैन ऑल्सो कम। ओके, एंड आई होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। अगर लिटरली हेल्प किया तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, इट्स योर विश।
बट प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.